फ्रेंड्स गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आज है वुमेंस डे, तो आप सभी को, मेरी सभी बहनों को हैप्पी वुमेंस डे। खुश रहिए अपनी लाइफ में। और मैं और साहिल अभी जा रहे हैं डी मार्ट घूम के आती हूँ, चलिए वुमेंस डे के दिन पर। तो शाम के 6 बज चुके हैं, अभी हम लोग निकल रहे हैं। सबसे पहले मैं आई हूँ DIY में, जो हमारे यहाँ पर न्यू मॉल खुला है। चलिए यहाँ पर कुछ देख लेते हैं क्या मिलता है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो अभी जाना है अंदर। क्या मतलब घर का सामान मिलता है लो प्राइस? तो फ्रेंड्स कोरोना चला गया, पर मेरा बेटा मास्क उतारने को तैयार नहीं है, हर जगह मास्क लगा के रखता है। तो यहाँ पर है ना, ऐसे घर के सामान मिलते हैं काफी। मिस्टर डी आई वाई साहिल आए हैं शॉपिंग के लिए मिस्टर DIY में। वहां से निकल के अभी हम आए हैं डी मार्ट में। तो फ्रेंड्स अभी आए हैं हम डी मार्ट में फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर है बहुत ही सुंदर कुर्तीज, मुझे बहुत अच्छी लग रही है और प्राइस भी एकदम रीजनेबल है। मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं रियली बता रही हूँ। 349, 199, अच्छा है, मतलब रेगुलर यूज़ के लिए ठीक है। तो मैं देख रही हूँ अभी मेरे लिए कुर्तीज, और मुझे लेगीज लेनी है, पहले तो मैं लेगी ले लेती हूँ। तो अभी हमें लिफ्ट में नीचे जा रहे हैं। आ गए तो चलिए फ्रेंड, शॉपिंग हो चुकी है, निकल रहे हैं हम घर के लिए अभी। और गाड़ी से सारा सामान आ गया है, अच्छी बात है। फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ घर में और शाम के 7:30 हो चुके हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको क्या क्या सामान लाई हूँ वो दिखाती हूँ, उसके बाद मुझे सारा सामान रख के खाना भी बनाना है। मैं आई थी अंदर, मैंने सोचा आपको कबर्ड दिखाऊं, क्योंकि इसकी हालत ना कल तक बहुत ख़राब थी। होली पे बच्चों ने कबर्ड को तहस नहस कर दिया था, तो शॉपिंग का सामान दिखाने से पहले आपको कबर्ड दिखाती हूँ। तहस नहस था पर अभी नहीं है। सुबह कोई भी कपड़ा ढंग से नहीं मिल रहा था। ये पूर्वी का कबाड़ मैंने लगा दिया है सिर्फ 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए पता है क्यों? क्योंकि वो 2 दिन ही ऐसे रहने देगी, ये सारे कपड़े वापस से उधर उधर होने वाले हैं। ये सब पैंट है, ये पैंट यहाँ जाने वाली है। ये देखो अभी से रखी गई है, मैं नहीं थी तो वो क्लास गई है। तो शर्ट्स मैंने यहाँ पर लगाए थे और हो चुका है अभी से इधर उधर, पैंट और टी शर्ट मिक्स होने वाली है और सबकी घड़ी खुलने वाली है सिर्फ 2 दिन में। हाँ हो सकेगा तो मैं दिखाऊंगी। तो ये मेरी पूर्वी का हाल है। और ये कबर्ड मैंने लगाया है, ये साहिल का कबर्ड है, उसके आधे कपड़े नाना के घर पे हैं। और ये साहिल का कबर्ड है, पैंट और टी शर्ट उसका अच्छे से अरेंज है। ये भी मुश्किल से 1 हफ्ता 10 दिन बहुत हो गया। और यहाँ पर मैंने ये अरेंज किया, ये हस्बैंड का कबर्ड है और ये मेरा कबर्ड है। मेरा कबर्ड मैंने नहीं लगाया, मेरा कबर्ड मैं लगा के ही रखती हूँ डेली, जैसे मैं कपड़े लगाती हूँ तो मेरा ऐसे ही रहता है कबर्ड, मेरा बिगड़ता नहीं है। मैं डेली के कपड़े ठीक से रख देती हूँ
और ठीक से ही निकालती हूँ, ठीक से ही रखती हूँ, बट बच्चों का तो पता है ना, बच्चे हैं। तो मैंने सोचा पहले कबाड़ दिखाऊँ आपको, मैंने कबाड़ लगाया है आज, और उसके बाद में चलिए आपको दिखाती हूँ शॉपिंग का सामान। तो आज है ना, मैं घर से कैरी बैग लेके गई थी ये वाला, क्योंकि बड़ा जम्बो बैग मेरे पास बहुत सारे हैं ऐसे, क्योंकि मैं मार्केट जाती हूँ तो सबसे पहले मैं बैग खरीद लेती हूँ, उसके बाद में नहीं तो अलग अलग बहुत सारी पन्नियाँ हो जाती हैं। तो पूरा पूरा भर चुका है, और हमेशा डीमार्ट से हम लोग खेली लेते हैं, लेकिन डीमार्ट की भी कैरी बैग बहुत सारे जमा है, तो आज मेरे हाथ में आ गया जाते जाते, तो मैंने ले लिया। तो चलिए दिखाती हूँ। सबसे पहले ये मैंने सबसे ऊपर रखे, ये मैंने लिए बर्गर बनाने वाले पाव, तो हम लोग बर्गर बनाएंगे। उसके लिए हमने लिया है ये वाला सॉस, पिज़्ज़ा एंड पास्ता वाला, और ये किसान का टमाटर सॉस भी लिया है, एक छोटा लिया है अमूल बटर, और अमूल बटर रखा भी है घर में, और पूर्वी के लिए लिया है बॉर्नविटा, क्योंकि उसको बहुत पसंद है, बिना बॉर्नविटा के वो दूध नहीं पीती है। और उसी के साथ में ये चीज़ लिया है बर्गर के लिए, और यहाँ पर लिए मैंने चार ब्रश ये वाले, क्योंकि हम चार ही हैं, चार का सेट मिल गया। और यहाँ पर लिए ये मैंने आधा किलो मसूर दाल, आधा किलो मूंग की दाल, और ये चोकोस अलग अलग फ्लेवर के हैं, ये इसमें पांच पैकेट आते हैं, पांच या समथिंग छह पैकेट आते हैं इसमें। और जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं तो मैंने लिया है नाइसिल पाउडर, तो एक बड़े पे मुझे एक छोटा पाउडर फ्री मिला है। आधा किलो पोहा, और घर का ही सामान है ये, आधा किलो साबूदाना का पैकेट, तो इस बार ना मैंने थोड़ा छोटा वाला बारीक वाला साबूदाना लिया है, क्योंकि किराना वाले के पास ये बारीक वाला नहीं होता है, मोटा वाला भेजता है वो, तो मैंने सोचा थोड़ा छोटा वाला मंगा के मतलब यूज़ करके देखूँ। पहले भी मैंने यूज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये चार सोप लिए हैं नहाने वाले, और ये है इडली का रवा, तो इडली जब मैं इस रवे से बनाऊंगी ना, तो मैं ट्राई करूंगी शेयर करने के लिए आप लोग के साथ में, क्योंकि इडली रवा मतलब इसको क्या करना है, इसको आपको 10 मिनट भिगोना है सिर्फ, इसमें कोई दाल और चावल का झंझट नहीं है ना पीसने का। इसको 10 मिनट भिगो के और दही को मैश करके इसमें मिक्स करके आधा घंटे के लिए आप रख दो रेस्ट के लिए, और आपको जो मनपसंद सब्जियां चाहिए या नहीं भी चाहिए, या सिर्फ आप राई जीरा का तड़का दे दो, इतनी सॉफ्ट और फूगी फूगी इडली बनती है ना, सोडा भी नहीं डाला तो भी चलेगा। इनो, हाँ इनो डालना है, हाँ इनो, मैं एक पैकेट पूरा इनो डालती हूँ इसमें, बहुत ही। और ये एक पीठ घसने वाला काथा लिया है साहिल ने अपने लिए, और हाँ ये रह गया, ये बेसन है आधा किलो बेसन, और पॉन्स पाउडर, और हाँ ये मायोनीज सॉस, पैराशूट ऑयल जो हम लोग लगाते हैं, सिंपल पैराशूट का तेल लगाते हैं हम, दिख रहा है ना। हाँ, और जो फर्स्ट शॉप में हम गए थे ना, मिस्टर DIY, वहाँ से मैंने लिया है, निकल गया ये छोटू सा कबर्ड, देखो ये मुझे इतना पसंद आया ना, इतना पसंद आया, यहाँ पर ऊपर से फ्लावर बना हुआ है, इतना अच्छा है ना ये, मतलब इसको अपना कबर्ड में रख दो, इसमें छोटे छोटे ड्रावर हैं आप इसमें, अरे मैंने उल्टा किया है क्या, हाँ मैंने ये उल्टा लगा दिया, एक सेकेंड ना, हाँ तो इसमें ना छोटे छोटे ड्रावर है, ऐसे चार ड्रावर है, आपके इयर रिंग्स हो गए, छोटे छोटे क्लिप रबर वगैरह यहाँ वहाँ खो जाते हैं, मिलते नहीं हैं, तो इसमें आप अरेंज करके रख सकते हो, तो बहुत ही क्यूट सा है, देखो इतना सॉफ्ट है कि खुद ही खुले जा रहा है। चारों बाहर आ गए, अंदर चले गए, बाहर आ गए, अंदर चले गए। बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये पूर्वी को एक जूस पीने के लिए ग्लास लिया है,
और वहीं से लिया है ये एक कॉम हस्बैंड के लिए, और ये पानी की 6 बॉटलें लिए, 6 बॉटल का सेट है ये, क्योंकि गर्मियाँ आ गई ना, फ्रिज में मुझे पानी भर के ही रखना पड़ता है क्योंकि ठंडे पानी के बिना चलता नहीं है। बाहर धूप से भी आते हैं, थोड़ा मिक्स करके हम लोग पीते हैं, एकदम ठंडा नहीं, लेकिन ठंडा पानी तो चाहिए, खाना खाने के बाद तो चाहिए ही चाहिए। गर्मी बहुत है, नहीं हो पाता है सादा पानी से। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की कुछ शॉपिंग। और यहाँ पर पूरा सामान पड़ा है देखो, और यहाँ पर है ना मैंने मोबाइल सेट किया था, स्टूल के ऊपर डब्बा रख के उसके साथ मोबाइल लगाया था, और ये पूरा सामान अभी चलिए रख देती हूँ। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी शॉपिंग। मैं आज बहुत खुश रहना चाहती हूँ क्योंकि वुमेंस डे है। आप भी खुश रहिए, खुश रहने के बहाने ढूंढिए। आप बहाने ढूंढोगे दुखी रहने के तो दुख ही दुख लगेगा। टेंशन सबकी लाइफ में होते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसको टेंशन ना हो। तो आप खुश रहने के बहाने ढूंढिए, खुश रहिए, गाना गाइए, टीवी देखिए, फ्री टाइम पे मोबाइल चलाइए, हमेशा दिमाग में सोचते मत बैठो। तो मेरी सभी माता और बहनों से यही रिक्वेस्ट है, हमेशा लाइफ में खुश रहिए और अपनी बेटियों को खुश रखिए, पढ़ाइए लिखाइए, इंडिपेंडेंट बनाइए। तो जो हम सोचते हैं, हमारी मम्मी सोचती थी, हमारे मम्मी के टाइम पे थोड़ा जनरेशन अलग थी, तो जो मम्मी को नहीं मिला मम्मी सोचती थी हमारी बेटी को मिले, जो हमको आज मिल रहा है फैसिलिटीज़, जो हमको आज मिल रहा है, जो हमारे टाइम पे नहीं है, आने वाले कल पे हम सोचते हैं हमारी बेटियों को, जो हमें आज नहीं मिला वो हमारी बेटियों को मिले। तो सभी की बेटियां खुश रहे सब। तो मेरी सभी मम्मियों से रिक्वेस्ट है, अपनी बेटियों का खास ख्याल रखें, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएं, पढ़ाए लिखाएं। तो चलिए, इसी के साथ मैं ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ आज। आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे एक बार फिर से, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।